जय श्री कृष्णा, वेलकम टू माँ की रसोई। आज हम लोग बनाने जा रहे हैं आंवले की सब्जी। ठंड में आंवला बहुत मिल रहा है और हमें आंवला खाना भी चाहिए। आंवले में विटामिन सी की मात्रा भरपूर होती है, ये हमारी हड्डियों के लिए बहुत अच्छी होती है, इसलिए आंवला हमें किसी ना किसी रूप में खाना चाहिए। ये मैंने 7 से 8 आंवला लिए हैं, 4 लाल मिर्च लिए, आधा चम्मच सौंफ, उड़द दाल 1 चम्मच, आधा चम्मच मेथी दाना, थोड़े से करी पत्ता, 4 हरी मिर्च, थोड़ा सा सेंधा नमक, 1 चम्मच चीनी, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा सा धनिया पत्ती। आंवला को धो के मैंने सुखा लिया है, अब इसको हम लोग काट लेते हैं। ये जो लाइन दिख रही है ना, यहाँ से हमें इसको ऐसे कट करना है। आंवले को इस तरह से एक काट लेना है हमें, ऐसे करके मैं सारे आंवले काट लूंगी एक बार। इसका बीच वाला भाग हमें निकाल देना है, ऐसे करके एक एक करके हम लोग सारे आंवले काट लेंगे। आंवला हमें किसी न किसी रूप में खाना चाहिए, बहुत जन मुरब्बा के रूप में खाता है, बाजार में जो चमनप्रास वगैरह मिलते हैं सब में आंवला रहता है। आंवला हमारे बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है, इसमें कैल्शियम रहता है, इसलिए हमें ठंड में आंवला खाना जरूर चाहिए। ये देखिए हमारा आंवले कट चुके हैं, अब हम लोग इसकी चटनी बनाते हैं। ये मैंने एक कढ़ाई ली है, इसमें तेल गरम किया है, इसमें मैंने डालूंगी थोड़ा सा मेथी दाना, थोड़ा सा धुली हुई उड़द दाल, सौंफ, लाल मिर्च, करी पत्ता, हींग थोड़ा सा। मैं अपनी सब्जियों में हींग जरूर डालती हूँ, हींग से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। मैं हरी मिर्च है, इसको दो दो टुकड़े करके डाल दे रही हूँ। मैं इसमें आंवला डाल दे रही हूँ, इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मैं इसमें ऐड करूँगी हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, नमक, सेंधा नमक, तो मैं इसको 5 से 7 मिनट के लिए कम आंच में पका लूंगी आंवला पकने तक। ये देखिए हमारे 5 मिनट हो चुके हैं, कुकिंग स्पीड में हम चेक करते रह रहे थे, मैं देख लेती हूँ आंवला हमारा पक रहा कि नहीं। देखिए आंवला हमारा पक चुका है, देखिए आप देख सकते हैं। अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी चीनी, चीनी आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, मेरे यहाँ खट्टा सब कम खाता है इसलिए मैं इसमें चीनी डालती हूँ, नहीं तो बिना चीनी के भी आप आराम से ये चटनी अच्छी लगती है, मेरे यहाँ खट्टा कम खाता है सब, इसलिए मैं चीनी डालती हूँ इसमें। आप बिना चीनी के भी बना सकते हैं, बिना चीनी के भी ये चटनी बहुत स्वादिष्ट और टेस्टी लगती है। मैं इसको थोड़ा ठंडा कर लूंगी। ये देखिए हमारा ठंडा हो चुका है, ये अब हम लोग इसको पीस लेंगे। इसमें धनिया पत्ती भी डाल देती हूँ,
धनिया पत्ती आप अपनी इच्छा अनुसार ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसे पीस लेती हूँ। ये देखिए हमारा आंवला का चटनी बन के रेडी हो चुका है। इसको मैंने थोड़ा दरदरा पीसा है, दरदरा पीसने से ये अच्छा लगता है। अब इसको 7 से 8 दिन के लिए स्टोर करके रख सकते हैं आप, क्योंकि इसमें हमने पानी की एक बूंद भी ऐड नहीं की है। अब इसको हम लोग सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे, जब मन करे तब खाइए। खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे और हम आप अपना प्यार हमारे साथ ऐसे ही बनाते रहिए और हम कमेंट में बताते रहिए कि आपको हमारे वीडियोज़ कैसे लगते हैं।